आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी सिवनी में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति के द्वारा एक रथ निकाला गया है पावापुरी से। ये रथ आया हुआ है और इस रथ ने अहिंसा का संदेश का प्रभाव अहिंसा के संदेश का प्रवाह सिवनी शहर में किया। आचार्य प्रज्ञा सागर मुनिराज की प्रेरणा से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के 2550वें मोक्ष कल्याणक के अवसर पर श्री पावापुरी अहिंसा धर्म प्रभावना रथ का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। इसी क्रम में अहिंसा रथ का आगमन 26 अगस्त की शाम 7 बजे ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी शिखरों से युक्त जिनालय एवं ऐतिहासिक रजत जिनेंद्र रथ जैसी अनमोल विरासत अपने अंदर सहेजे हुए विश्व प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की एक धर्म नगरी सिवनी में हुआ। इसके आगमन के अवसर पर नगर के बड़े जैन मंदिर के समीप श्री भक्तामर दीप अर्चना व महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत 27 अगस्त को सुबह 9 बजे से रथ में विराजमान भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा का मस्ताभिषेक महामस्तकाभिषेक शांति धारा की गई। इसके उपरांत रथ के प्रवर्तक हेतु श्री राम मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विराजमान श्री जी के साथ जितने अतिथि थे उनका घरों घर स्वागत किया गया। ये शोभा यात्रा बड़े में जैन मंदिर से छोटे मिशन स्कूल मिलन चौक होते हुए काली चौक से राम मंदिर कीर्ति स्तंभ शुक्रवारी होते हुए बड़े जैन मंदिर के समीप पहुंचकर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा सुंदर धार्मिक दृश्य लगातार 2 दिनों तक शहर को देखने को मिला। ये विभिन्न जो भी उनके जहाँ उनके द्वारा कार्यक्रम किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं, और कितना सुंदर सजा हुआ रथ यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। धर्म लाभ लिया गया, कितना प्यारा कितना सुंदर सजाया गया था। भारतीय जैन मिलन सहयोगी संस्था और शाकाहार अपनाएं इसका संदेश भी यहाँ दिया जा रहा है। बहुत ही छोटी सी जगह में का उपयोग करते हुए जिस तरह से इस रथ को बनाया गया है वो वास्तव में बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। शिव की नगरी में लोगों के आकर्षण का ये जबरदस्त केंद्र रहा। जो भी देखता वो ऐसे नयन उसके यहाँ रुक जाते। भगवान महावीर निर्माण महोत्सव 2550वां निर्माण महोत्सव यहाँ आप देखिए गगनचुंबी एम शिखरों से युक्त जैन मंदिर आपको दिख रहा होगा। जैन मंदिर के ठीक सामने ये रथ यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत छोटे से वाहन में बहुत करीने से उम्दा तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से इसे सजाया गया है। इस कार्यक्रम के अंत में रथ प्रवर्तकों के प्रति श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष पवन दिवाकर के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। ये पूरा हम आपको जो दिखा रहे हैं उनका क्या दिशा निर्देश हैं, क्या उनके कार्यप्रणाली है, कहाँ कहाँ भी जाएंगे, सब कुछ इसमें प्रदर्शित किया गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। एक बार फिर आप देखिए रथ को हम आपको दिखा रहे हैं। रथ में सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत सुंदर सा जिनालय सुंदर सा देवालय आप देख रहे हों। सुंदर से देवालय और जिनालय में आप प्रवेश कर रहे हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे।
हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।